सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले गूगल प्ले स्टोर के बारे में और इंडियन ऐप स्टोर के बारे में। सिंपली इस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। सो गाइस, आप सभी को पता है पेटीएम बैन हो गया था कुछ घंटों के लिए। मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, वीडियो आई बटन पर देख सकते हो। तो क्यों बैन हुआ था उसके बारे में मैंने उस डिटेल वीडियो में उसमें बोला है। गैमलिंग की वजह से बैन कर दिया गया, पॉलिसी के खिलाफ है। मींस गूगल का जो पॉलिसी होता है, ठीक है, जो प्ले स्टोर का पॉलिसी होता है, वो वायलेट करके फिर पेटीएम गेम्स ला रहा था, ठीक है, गैमलिंग की तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से वो बैन कर दिया गया था 3-4 घंटे के लिए, फिर वापिस आ गया पेटीएम अभी। तो इस वजह से पेटीएम के जो सीईओ है उसने ये ट्वीट किया था, ये मोनोपोली चल रहा है गूगल का, ठीक है। इसमें कौन सा मोनोपोली आपको समझाता हूँ, क्योंकि इंडिया के रूल्स और यूएसए के रूल्स बहुत ही अलग होते हैं। इसी की तरह से इसमें समझाया गया है, अपना खुद का जो स्टोर होता है, एप्लीकेशन स्टोर, ठीक है, ऐप स्टोर, तो वो जल्दी लॉन्च करने वाले इंडिया में। अब मुझे नहीं पता, फोन पे कंपनी भी बोल रहा था सिंपली, ठीक है, तो फोन पे और पेटीएम कंपनी दोनों ने ट्वीट किया था एक साथ। उसके साथ साथ एक और भी एक बड़ी न्यूज आ रही है, जोमेटो और स्विगी में जो गेम्स चल रहा है आईपीएल की वजह से, जो गेम चलता है, गेम मेनिया होता है, जो भी आप गेम खेलते हो, स्विगी में भी गेम्स है, जोमेटो में भी गेम्स है, ठीक है, तो इसी गेम की वजह से इसमें भी उसको वायोलेट करने की टर्म्स एंड कंडीशन दिया है, वो भी ऐप स्टोर से आप हटाने वाले, ये गूगल प्ले स्टोर ने बोला है। तो इसी की वजह से सब एप्लीकेशन के डेवलपर, सीईओ कंपनी के, सभी बड़े बड़े कंपनी के सीईओ, पेटीएम तो बहुत ही बड़ा कंपनी इंडिया में, सभी ने मिलकर एक सोच रहे हैं इंडिया में अपना खुद का स्टोर बनाए, ठीक है, एप्लीकेशन स्टोर, और ये गूगल जो वायलेट होता है उससे वो उस पर ना डाल के एप्लीकेशन इस पर डाले, ठीक है। कोई भी नॉर्मल बंदा है वो एप्लीकेशन रेडी करता है, ठीक है, उसके बाद प्ले स्टोर में अपलोड करता है। अब प्ले स्टोर का पॉलिसी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। इसमें क्या होता है, 30% रेवेन्यू गूगल को देना पड़ता है, ठीक है, जो भी कंपनी अर्न करती है 30% रेवेन्यू देना पड़ता है, उसके साथ साथ पॉलिसी को वायोलेट नहीं करने का, फिर उसके साथ साथ बहुत सारे और भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ठीक है। गेम्स अच्छे अच्छे ला रहे थे, ठीक है, पेटीएम, उसके बाद भी ये बैन कर दिया गया था। तो आपका क्या राय है, आप प्ले स्टोर, जैसे कि प्ले स्टोर है अभी एंड्रॉइड पे और उसके साथ साथ इंडियन ऐप स्टोर आ जाता है, तो आप कौन सा वाला यूज करोगे, नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है, आपका क्या राय है इस पे ये भी बताओ। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पे पोल डालता हूँ, ठीक है, तो फॉलो कर लेना। और उसके साथ साथ ड्रीम इलेवन पे मैंने 3-4 वीडियोस और भी बना दिए, आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस मिलते रहते हैं। और हाँ गाइस, और एक बड़ी स्पेशल वीडियो जल्दी आने वाला है, इसके ऊपर काम कर रहा था इसलिए ये वीडियो भी डिले हो रहा है, ठीक है, एक दिन पहले आ जाने वाला था बट वीडियो डिले हो रहा है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो जल्दी कुछ न्यू लाने वाला हूँ, कुछ न्यू अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, कुछ न्यू चैनल या कुछ होने वाला है, उसके लिए वेट करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं तो फॉलो कर लेना, क्योंकि उधर ही अपडेट देता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।